विद्यार्थियों सुप्रभात। कैसे हो बेटे आप सब? आशा करती हूँ कि आप घर पर कुशलता पूर्वक होंगे। बेटे आज हम 9th क्लास में जो कविता नंबर 3 हमने लास्ट क्लास में भी की थी, आज उसी कविता को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने जो सवैये कविता रसखान जी द्वारा रचित थी उसके पहले 2 सवैये रीड किए थे, अंडरस्टैंड किए थे। आज हम नेक्स्ट के 2 यानी कि इसमें 4 ही सवैये हैं, तो आज बेटे रीडिंग में हमारी ये कविता कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हम नेक्स्ट के जो 2 सवैये हैं उनको अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट जो सवैया था उसमें रसखान जी ने अपने जन्मों के बारे में बताया था कि मैं जिस भी जन्म में, चाहे मैं पशु बनूं, मनुष्य बनूं, पत्थर या पक्षी, मैं हर एक रूप में ब्रज के गोकुल गांव में ही निवास करूं। दूसरे सवैये में हमने पढ़ा था कि जितने भी सुख है संसार में, धन दौलत से संबंधित है, रहन सहन से संबंधित है, तो मैं हर एक सुख को नंद बाबा की गाय को चराते हुए, भगवान श्री कृष्ण जी की लाठी और काले कमल को लेते हुए या कांटेदार झाड़ियों को प्राप्त करते हुए हर एक सुख को मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो आज हम नेक्स्ट पार्ट को रीड करेंगे बेटे। आज हमारा 3रा सवैया रहेगा स्टार्टिंग में, ध्यान से समझ से चलना। 3रा सवैया देखिए, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगे। देखो पहले जो 2 सवैये थे उसमें रसखान जी ने अपने मन की भावनाओं को बताया था, लेकिन थर्ड और फोर्थ जो सवैया है बेटे उसमें गोपियां एक दूसरे से बातें कर रही हैं। एक गोपी दूसरी गोपी से बातें कर रही है भगवान श्री कृष्ण जी से संबंधित। तो एक गोपी क्या कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, तो जो गोपी है वो क्या कह रही है दूसरी गोपी से, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, कि मोर के पंख को सिर के ऊपर रख लूंगी। देखो गोपी कह रही है कि जैसे हम भगवान श्री कृष्ण जी के प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक हर एक काम करने को तैयार हैं। उसने कहा मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, कि मैं मोर के पंख को सिर के ऊपर धारण कर लूंगी, गुंज की माल गरे पहिरूंगी और मैं गुंजा की माला को गले में पहन लूंगी। ये 2 कार्य बताए गोपी ने एक दूसरी गोपी से, कि मैं मोर के पंख को भगवान श्री कृष्ण जी रखते हैं ना सिर के ऊपर, तो उसने कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण जी के अनुसार मोर के पंख को सिर के ऊपर रख लूंगी। दूसरा काम उसने बताया कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जी गले में गुंजा की माला पहनते हैं, तो मैं भी गुंज की माल गले पहनूंगी, मैं गुंजा की माला को गले में पहन लूंगी। ओढ़ी पीतंबर यानी कि मैं पीले वस्त्र ओढ़कर, यानी कि पीले वस्त्र पहनकर, लै लकूटी हाथ में लाठी लेकर, वन जंगल में गोधन गायों को चराते हुए, गवारनी संग फिरूंगी, गवालों के साथ भी फिर लूंगी। तो उसने आगे क्या कहा कि मैं ये काम भी करने को तैयार हूं कि मैं सिर्फ पीले वस्त्र पहनूंगी, हाथ में लाठी लेकर जंगल में गवालों के साथ गायों को भी चरा लूंगी। तो ये सारे काम गोपी करने के लिए तैयार है। आगे कहती है गोपी, भाव तो वो ही मेरो रसखाने। रसखान जी के अनुसार गोपी एक दूसरे से कह रही है, गोपी दूसरी गोपी से कहती हैं, भाव तो वो ही, मुझे वो बड़े भाते हैं। भाने का अर्थ होता है बेटे अच्छा लगना, यानी कि मुझे भगवान श्री कृष्ण जी बड़े अच्छे लगते हैं। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, तो तेरे कहे अनुसार मैं हर एक स्वांग होता बेटे ढोंग दिखावा, तो तेरे कहे मैं हर एक ढोंग करने के लिए तैयार हूँ। गोपी ने क्या क्या ढोंग कहा है? गोपी ने कहा है कि मैं मोर के पंख को सिर के ऊपर धारण कर लूंगी, गुंजा की माला को गले में पहन लूंगी, पीले वस्त्र पहनकर हाथ में लाठी लेकर जंगल में गायों को चराते हुए गवालों के साथ भी फिर लूंगी। इसलिए उसने कहा कि मुझे भगवान श्री कृष्ण जी बड़े प्यारे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। सो जो तू कहेगी तेरे कहे अनुसार मैं हर एक ढोंग करने को तैयार हूँ। लेकिन फिर क्या कहती है गोपी अपने गुस्से को दिखाते हुए, या मुरली मुरलीधर की, जो भगवान श्री कृष्ण जी है, मुरलीधर कहते हैं मुरली को धारण करते हैं वो, या मुरली जो बांसुरी मुरलीधर की, भगवान श्री कृष्ण जी ने अधरान धरी, अधरान होता बेटे होठ, भगवान श्री कृष्ण जी अपने होठों के पास ही रखते हैं ना बांसुरी को, तो उसने कहा कि भगवान श्री कृष्ण जी जिस बांसुरी को अपने होठों पर धारण कर रखे हैं, करके रखते हैं, अधरान धरूंगी, मैं उसे अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। देखो मोर के पंख भी धारण करने को तैयार है, गुंजा की माला पहनने को तैयार है, पीले वस्त्र पहनकर गायों को चराने के लिए, गवालों के साथ हाथों में लाठी लेकर फिरने के लिए भी तैयार है,
लेकिन उसने क्या कहा कि या मुरली मुरलीधर की, जो भगवान श्री कृष्ण जी की बांसुरी है ना, जो उन्होंने अधरान धरी होठों पर धारण कर रखी है, अधरान धरूंगी मैं उसे अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। और क्यों कहा था उन्होंने ऐसा? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि जो गोपी है बेटे, वो बांसुरी को अपनी सोतन समझती है, वह मानती है कि भगवान श्री कृष्ण जी अपने होठों के पास हमेशा बांसुरी को रखते हैं, तो वे हमसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? बांसुरी से करते हैं। इसलिए उसने कहा था कि जो बांसुरी भगवान श्री कृष्ण जी अपने होठों पर धारण करके रखते हैं ना, मैं उसे अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। लास्ट सवैया देखिए बेटी, ध्यान से समझना थोड़ा। काननी दे अंगुरी रही बो, काननी दे अंगुरी, काननी होता बेटे कानों में, अंगुरी अंगुली को रही बो रख लेंगी। कब रख लेंगी? जब भगवान श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाएंगे। तो गोपी कह रही है दूसरी गोपी से कि काननी दे अंगुरी रही बो जब ही मुरली धुनी मंद बजही, जब भगवान श्री कृष्ण जी मुरली की धुन को धीरे से बजाएंगे तो काननी दे अंगुरी रही बो हम कानों में उंगली रख लेंगी। यानी कि जब भगवान श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाएंगे ना, तब हम क्या करेंगी? हम कानों में उंगली रख लेंगी। मोहनी तानन, मोहनी होता है बेटे आकर्षित करने वाले, यानी कि जैसे जो भगवान श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे ना, तो उनकी बांसुरी की आवाज को सुनकर बेटे गायें थी वो उनकी तरफ आ जाती थी, गोपियां थी वो उनकी तरफ खींची चली आती थी, क्योंकि वो जो बांसुरी बजाते थे उससे जो धुन निकलती थी ना, उससे हर कोई आकर्षित हो जाता था, खींचा चला जाता था भगवान श्री कृष्ण जी की तरफ। इसलिए गोपी कहती है मोहनी तानन सो रसखानी, रसखान जी के अनुसार गोपी एक दूसरे से बातें करती हुई कह रही है मोहनी तानन, कि वह जो तान है ना, वह मोहनी है, वह हमें आकर्षित करने वाली है। अटा चढ़ी, अगर वे अटारी पर चढ़कर, अटा होता बेटे अटारी, अटारी हम कह सकते छत पर, अटा चढ़ी यानी कि वे अटारी पर चढ़ी चढ़कर गोधन, गोधन मतलब गोधन वैसे तो गाय होता है और गायों के से संबंधित जो गीत है उसको भी गोधन बोला जाता है, गह तो गह, अगर वे गोधन गा रही हैं तो गाते रहे। यानी कि वो क्या करते, जैसे गायें थी बेटे चरने के लिए काफी दूर तक भी निकल जाते थे जंगल में, तो वे क्या करते, एक जगह खड़े होकर बांसुरी बजाना शुरू कर देते थे। इतनी मतलब पावर थी उनकी बांसुरी में कि वो चाहे गायें कितनी भी दूर क्यों ना चली जा गई हो, लेकिन वो उनकी तरफ खींची चली जाती थी। गोपी कह रही है टेरी को हो सिगरे बरज लोगनी, हम इस बात को तेरी ऊंची आवाज में कह रहे हैं, सिगरे बरज लोगनी सभी ब्रज के लोगों को, कौन सी बात कह रही है वो, कि हम कानों में उंगली रख लेंगे जब भगवान श्री कृष्ण जी बांसुरी को बजाएंगे, क्योंकि उनकी बांसुरी में इतनी ताकत है कि हम उनकी तरफ खींची चली जाती हैं। इसलिए गोपियां कह रही है एक दूसरे से कि टेरी को सिगरे ब्रज लोगनी, कि हम इस बात को सभी ब्रज के लोगों को, टेरी को हो ऊंची आवाज में कह रही हैं, काली को कितने समझो, कल कोई चाहे हमें कितना भी क्यों ना समझाए लेकिन हम नहीं मानेंगे, हम बांसुरी की आवाज को नहीं सुनेंगे। लेकिन लास्ट में ना जो गोपी है वो अपनी विवस्था, अपनी लाचारी बता रही है, मायरी वह मुख की मुस्काने, जो भगवान श्री कृष्ण जी के मुख की मुस्कुराहट है ना, संहारी न जही, वह हमसे संभाली नहीं जाती। संहारी न जही का मतलब क्या है बेटे यहाँ पर, मतलब बांसुरी की आवाज को तो मैं नहीं सुनेंगी क्योंकि वो कानों में उंगली रख लेंगी, लेकिन जब वो मुस्कुराएंगे ना तब वो क्या करेंगी। इसलिए गोपी अपनी लाचारी को बता रही है कि मायरी वह मुख की मुस्कानी संहारी न जही, कि वह भगवान श्री कृष्ण जी के मुख की जो मुस्कुराहट है ना, वो हमसे संभाली नहीं जाती। यानी जब वे मुस्कुराते हैं तो हम भगवान श्री कृष्ण जी की तरफ खींची चली जाती हैं। एक बार और देखिए ध्यान से, काननी दे अंगुरी रही बो जब ही मुरली धुनी मंद बजे, जब भगवान श्री कृष्ण जी मुरली की धुन को धीरे से बजाएंगे तो हम क्या कर लेंगे, कानों में उंगली रख लेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण जी मुरली को बजाएंगे तो हम कानों में उंगली रख लेंगे। मोहनी तानन सो रसखानी, गोपी एक दूसरे से बात करती हुई कह रही है कि जो मुरली की धुन है वह हमें आकर्षित करने वाली है। अटा चढ़ी, अगर भगवान श्री कृष्ण जी अटारी पर चढ़कर गोधन गह तो गह, अगर गोधन गा रहे हैं तो गाते रहे, हम तो उनकी बांसुरी की आवाज को नहीं सुनेंगी क्योंकि हम तो कानों में उंगली रख लेंगी। टेरी को सिगरे ब्रज लोगनी, और इस बात को हम सभी ब्रज के लोगों को ऊंची आवाज में कह रही हैं, काली को कितने समझो, कल चाहे हमें कोई कितना भी क्यों न समझाए लेकिन हम नहीं मानेंगे। मायरी व मुख की मुस्कानी संहारी न जही न जही, इस बात को मतलब थोड़ा जोर देकर कह रही हैं गोपियां कि अरी माँ वह मुख की मुस्कुराहट, देखिए इसमें भगवान श्री कृष्ण जी हंसते हुए दिख रहे हैं तो इसी मुस्कुराहट के बारे में उन्होंने बताया था कि अरी माँ वह भगवान श्री कृष्ण जी के मुख की जो मुस्कुराहट है ना, हंसी है,
संभारी नै जही नै जही नै जही, यानी कि वह हमसे किसी भी तरह से संभाली नहीं जाती। इसलिए वो अपनी लाचारी को इसमें दिखा रही हैं, क्योंकि वो जैसे ही हंसते हैं ना तो वे भगवान श्री कृष्ण जी की तरफ खींची चली जाती हैं। तो बेटे आज हमारा ये जो रीडिंग का पार्ट था सवाई कविता का, ये कंप्लीट हो चुका है। कल हम इस कविता के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। यह चैप्टर से रिलेटेड सेकंड वीडियो थी। कल थर्ड वीडियो में हम इस कविता के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आज का होमवर्क क्या आपका? आज का होमवर्क है बेटे, आपको इस कविता जो रसखान द्वारा रचित कविता है सवैये, इसको बहुत अच्छे से रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है और अकॉर्डिंग टू वीडियो बार बार इसको बहुत अच्छे से लर्न करना है। आज के लिए इतना ही, कल हम क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करेंगे।